हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली स्थित नड्डा के आवास पर हुई, जहां कंगना करीब आधे घंटे तक रही। किसान आंदोलन पर विवादास्पद बयान देने के बाद कंगना की यह भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता से पहली मुलाकात थी। कंगना रनौत ने इससे पहले एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर कड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्ट के नाम पर रेप और मर्डर जैसी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार मजबूत ना होती तो पंजाब को बांग्लादेश बना दिया जाता। इस बयान को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद भाजपा ने स्पष्ट किया कि यह कंगना की व्यक्तिगत राय है, पार्टी की नहीं। भाजपा ने 26 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी कर कंगना के बयान से असहमति जताई और कहा कि उन्हें पार्टी के नीतिगत मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही कंगना को भविष्य में इस प्रकार के बयान देने से बचने की हिदायत भी दी गई थी। वहीं इस बयान पर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना का बयान भाजपा की किसान विरोधी नीति का स्पष्ट प्रमाण है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अन्नदाताओं के सम्मान पर हमला किया है और कंगना का बयान इस धोखे को नहीं छिपा सकता। फिलहाल कंगना और नड्डा के बीच हुई इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।